तो गाइस कैसे हो आप सब लोग, आपका स्वागत है माइनक्राफ्ट के एक नए वीडियो में। तो गाइस आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप माइनक्राफ्ट में सबसे इजी तरीके से डायमंड किस तरीके से फाइंड कर सकते हो। तो गाइस आज के वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ आपको। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। तो डायमंड माइनिंग के लिए आपको पास एक पिकेक्स होना चाहिए और कुछ फूड्स और टॉर्चेस तो होनी चाहिए और शवल और स्वॉर्ड भी चाहिए, जिससे कि आपको बीच में कहीं मॉब्स मिल गए तो आप उन्हें मार सकते हो। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। तो डायमंड माइनिंग के लिए आपको तो पता होगा आपको 12th लेवल पे जाना पड़ेगा वाई कोऑर्डिनेट के, लेकिन गाइस हम 11th कोऑर्डिनेट पे जाएंगे और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए गाइस तो हम कहाँ से माइनिंग करें, तो चलिए गाइस यहाँ से माइनिंग करते हैं। तो शवल से मैं डर्ट्स को हटा देता हूँ। चलिए गाइस नीचे चलते सीधे। तो आपको डबल साइडेड माइनिंग करनी होगी, जिससे आप डायरेक्ट लावा में ना गिर सके, आपको बीच में खड़ा रहना है गाइस, जिससे कि आप कहीं पे गिरेंगे नहीं। तो स्टोन आ गया तो मैं पिकेक्स ले लेता हूँ गाइस। तो आपको ये दोनों साइड से ऐसे माइन करते रहना है कि आप कहीं पे गिरे ना, आप आराम से नीचे चले जाएंगे। तो आपको डायरेक्ट 11th ब्लॉक पे जाना है गाइस। 12th पे तो डायमंड मिलता है, इसलिए आपको 11th ब्लॉक्स पे जाना है। तो गाइस मैं आपको 11th ब्लॉक पे मिलता हूँ। अभी तो मेरी कोऑर्डिनेट 56 है। तो गाइस देख सकते हो अभी मैं 36 लेवल पे आ गया हूँ और अभी हमको जाना है 11th लेवल पे गाइस। तो चलिए वीडियो को मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो मैं 12th लेवल पे आ गया हूँ, पर गाइस आपको है ना 11th लेवल पे जाना होगा, क्योंकि 12th लेवल पे तो गाइस आपको डायमंड मिलते हैं, लेकिन आप 11th से माइनिंग करें तो आपके लिए अच्छा होगा गाइस। तो चलिए हम कौन से डायरेक्शन में, हम ये डायरेक्शन में माइन करते हैं गाइस। तो हम कहाँ से माइन करें, तो हम यहाँ से माइन करते गाइस। तो चलिए यहाँ से आपको स्ट्रेट माइनिंग करनी है गाइस। और सॉरी गाइस मैं इधर तो ग्रेवल आ गया, तो आपको दूसरे साइड से माइनिंग करनी है, तो फिर ये साइड से करते गाइस। हाँ तो चलिए गाइस ये साइड में आपको माइन करके दिखाता हूँ। और आपको जगह जगह पर टॉर्चेस लगाना है, नहीं तो आप मॉब स्पॉन हो जाएगा, तो फिर आपको मरने के चांसेस बढ़ जाते हैं आपके। तो गाइस चलिए मैं स्ट्रेट माइनिंग करता हूँ। तो आपको स्ट्रेट माइनिंग करनी है, आपको दो लेयर हटाने, ज़्यादा नहीं हटाने। तो आपको जगह जगह पर टॉर्चेस भी लगाते रहना है, नहीं तो मॉब स्पॉन हो जाते हैं। तो गाइस कुछ इस तरीके से आपको स्ट्रेट माइनिंग करते रहना है। तो गाइस मैं थोड़ा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो मैं कब से माइनिंग कर रहा हूँ, ज़्यादा देर नहीं हुआ। तो देखो देख सकते हो गाइस लैपिस भी मिल गया है, तो ये एक अच्छा साइन है। लैपिस आपको मिलता है तो थोड़ी सी खुशी होती है और डायमंड मिलने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो गाइस देख सकते हैं मेरे को 3 ब्लॉक लैपिस का मिला है, और कितने कलेक्ट हो गए, तो 14 मिले गाइस मेरे को 3 ब्लॉक ऑफ लैपिस थे। तो आपको ऊपर चेक करते रहना, आप ऊपर को छोड़ते तो ऊपर देखिए गाइस ऊपर भी लैपिस है, तो मैं उसे भी कलेक्ट कर लेता हूँ गाइस। तो 7 लैपिस के ब्लॉक मिल गए गाइस। और आपको ऊपर और नीचे दोनों साइड आपको चेक करते रहना, आप कुछ मिस तो ना करें। तो ये देखिए गाइस हमको एमरल्ड मिला है, मैंने ये एमरल्ड मिस कर दिया था गाइस। तो देखते कितने एमरल्ड है यहाँ पे। तो गाइस देखिए हमको सिर्फ एक ही एमरल्ड मिला है, और एमरल्ड और बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है। तो देख सकते हो गाइस यहाँ पे आपको डायमंड के अलावा एमरल्ड और लैपिस मिल चुका है, अभी सिर्फ डायमंड की डायमंड मिलना बाकी है। तो गाइस चलिए हम माइनिंग करते रहते हैं, जब आपको ये सब मिलते हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस होती है। तो गाइस चलिए मैं आगे कंटिन्यू रखता हूँ माइनिंग। तो आपको जगह जगह पे टॉर्चेस भी लगाते रहना है गाइस। तो माइनिंग कंटिन्यू रखते हैं हम लोग। और ये माइनिंग का बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका है, और स्ट्रेट माइनिंग से आपको लावा से भी बच जाते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और ये ट्रिक बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी यूज़ करते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ गाइस। तो गाइस ऊपर देख सकते हैं हमको डायमंड मिल गया है गाइस। तो देख सकते हैं कितने डायमंड है, अभी मैं आपको माइन करके दिखाता हूँ गाइस। तो आपको डायरेक्ट कभी भी डायमंड नहीं लेना है आपको, है ना, डायमंड के साइड में आपको माइन करके देखना है कितने डायमंड्स है या फिर कोई लावा है या नहीं है। तो गाइस देख सकते हो ये कितने हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं इसके साइड में माइन कर लूँ गाइस सब। Baby, you give me eyes.
give up my appetite. Don't leave me high and dry. सात डायमंड है और बहुत ही जल्दी हमको ये डायमंड्स मिल गए गाइस, तो आप ये ट्रिक्स यूज़ कर सकते हो अपने सर्वाइवल वर्ल्ड में माइन करने के लिए, और आपको बहुत सारे डायमंड बहुत ही इजी तरीके से मिल जाएंगे। और ये सबसे फास्टेस्ट वे है डायमंड माइन करने का, और बहुत ही सेफ तरीके से आप माइन कर सकते हो, आपको कोई भी टाइप का खतरा नहीं होगा गाइस। तो गाइस अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे ही माइनक्राफ्ट के ऑसम वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दे गाइस। तो मिलते हैं एक नए माइनक्राफ्ट के वीडियो में।